संक्रमण की रफ्तार थमी तो लोगों ने चैन की सांस ली। अस्त व्यस्त हो चुकी कई व्यवस्थाएं पटरी पर लौटनी शुरू हो गई। कोरोना की तीसरी लहर में ओमिक्रॉन से अधिक नुकसान नहीं हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में मामला जितना गंभीर था, ये तीसरी लहर में कम गंभीर लगा। लेकिन अब कोरोना की चौथी लहर की आशंका है। देश में मामला बढ़ने के बाद फिर से जांच का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS में कोरोना के नए वेरिएंट के डिटेक्ट होने से हड़कंप मचा गया। IGIMS में कोरोना के वायरस को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग में BA.12 वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार ये तीसरी लहर के BA.2 वेरिएंट से 10 गुना अधिक खतरनाक है। हालांकि तथ्य ये भी है कि IGIMS में डिटेक्ट हुए नए स्ट्रेन के केस देश में काफ़ी कम हैं। दिल्ली में इसके एक दो मामले सामने आए हैं। अब इस नए वेरिएंट BA.12 को लेकर स्टडी की जा रही है। विशेषज्ञ बताते हैं कि BA.12 वेरिएंट सबसे पहले US में डिटेक्ट हुआ था। अमेरिका में सबसे पहले हुआ था डिटेक्ट। बता दें कि 2 महीने तक सीक्वेंसिंग का काम बंद था क्योंकि नए मामलों की संख्या कम हो गई थी। कोरोना का संक्रमण भी काफ़ी सामान्य हो गया था, लेकिन देश में अचानक से बढ़े मामले तो बिहार के सैंपल की सीक्वेंसिंग की गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर XE वेरिएंट और BA.12 वेरिएंट के बारे में अधिक डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन दुनिया में कई जगह पहले से BA.12 डिटेक्ट किया जा चुका है और सबसे पहले इसे अमेरिका में डिटेक्ट किया गया था।